Bande Guru Pada Dandam Bhakta Vinda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charano Dayam Gopijana Samayuktam Bindavanam Manohara Vāñcha-kalpa-taru-vaśya-kipā-sindhu-vavacha Patitānaṁ pāvane-bhavishna-vibhyo-namo-nam Mūkaṁ karoti-vāca-alaṁ paṅgungaṁ haiti-gidam Yat-kipātamahaṁ vande-paramānanda-mādama Vṛndāvi-tulsi-de-pai-piyāvi-kesava-sacha Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namo Narayana Namaskritta Naranjaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tatpujayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pamadaksha Jagodvarunya Deyam Sada Paribhavagnam Avishchaduham Tethas Padam Siva Virinjanutam Saranyam Bhitatiham Panatopal Bhavadibhutam Bande Mahapurusate Charuna Rabindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vishpurjita-kima-pigapavadu-shuvadarshi Purnanuragra-sasagra-sarumurti Saradhikamikadakipahankarushi Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Adyaita Gadadhara Sivasadhi Gaurabhaktabindu Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Siyad-daita-gada-dhar-siva-sadhi-gaura-bhakta-binda Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Ajānulambita-bhujau-kanukā-bhudātu Saṅkītanaika-vitaru-kamalāyatākṣu Viṣyāmbaru-dhija-varu-yugadharma-pālau Bandeya-gat-priyakaru karunā-bhutāru Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namami Gange Tava Padu Pankajam, Sura Surair Vandito Diparupam, Bhuktin cha muktin cha dadasinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyam anangamada paharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Bhagi Sajasya Vadane Lakshmir Yasya Chavakshashi Jasyasthi Hidaya Sambhi Vam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
निश्वासेन इव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तन कीर्तनीयतो बाल्याधरेन्नामेव केव निश्वासेन इव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तनीयतो बाल्याधरेन्नामेव केव गौरी गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए इतिहास और सुख चिंता से अवसर प्राप्त करने का नाम हरिभजन है। ख्वाब देखना ख्वाब गौरी गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए इतिहास और सुख चिंता ख्वाब देखना ये सब चीज़ों से अवसर लेने का नाम हरिभजन है। हरिभजन प्रैक्टिकल विषय है। हरिभजन में कोई ऐसा नहीं हुए हुए नहीं हुए तो नहीं भी हो सकता ऐसा नहीं। हरिभजन में ऐसा कोई बात नहीं कि हो सकता नहीं भी हो सकता ऐसा नहीं। हरिभजन इतना पॉजिटिव है इतना प्रैक्टिकल है जो हरिभजन करने वाले हर वक्त महसूस करते रहते हैं। हरिभजन कितना प्रैक्टिकल है बाकी जो आदमी अक्सर कहते रहते हैं बी प्रैक्टिकल, लेकिन ये सो बी प्रैक्टिकल जो कहते हैं इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, लेकिन कहते रहते हैं आदमी बी प्रैक्टिकल, टाइम इज मनी सब कुछ कहते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं टाइम इज लाइफ कभी भी जिंदगी जा सकता है ये बात को भूल जाते हैं। ज़्यादातर आदमी 100% में 99.99% व्यक्ति विषय में उलझे हुए रहते हैं। जब भी कोई भजन में थोड़ा दिखाते हैं कुछ करते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादातर आदमी विषय में उलझे हुए रहते हैं और हिस्ट्री मतलब अ फ्लो ऑफ इंसिडेंट्स पॉलिटिकल इंसिडेंट्स है वो जो कुछ भी है सब सारे चलते रहते हैं। फ्लो ऑफ लाइफ जो सब इंसिडेंट्स मटेरियल है इतिहास है सब व्यस्त है। इंटरनेट में खबर देखना टीवी खबर देखना सारे इसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं देखो इतिहास और सुख चिंतन ख्वाब देखने से अवसर प्राप्त करने का लाभ अवसर लेने का नाम ही हरिभजन है। इसका मतलब है कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप हरिचिंतन हरिकथा ही वास्तव भजन है। सुबह में 2 घंटा भजन किया महाराज आप 5 घंटा मजा ले ले ऐसा हरिभजन हरिभजन करने वाले व्यक्ति का ऐसा कंसेप्शन नहीं हो सकता। हरिभजन करने वाले किसी का ऐसा भाव नहीं हो सकता संभव नहीं, क्योंकि उसको पता है ये नॉन स्टॉप हरिभजन करना जरूरी है। कब जिंदगी चले जाए कुछ ठिकाना है नहीं। प्रभुपाद अक्सर कहते थे हमारा विनती है आप लोग विषय में प्रविष्ट नहीं होना। प्रभुपाद कहते थे आपनारा क्यों जड़ो विषय से प्रविष्ट हबें ना, आपनारा क्यों जड़ो विषय प्रविष्ट हार चेष्टा करबें ना, जड़ विषय से अपना मन को उठा लो। सबसे बड़ा बदमाश है ये मन मेटेरियल मन, इसका ऊपर बदमाश कोई नहीं है। अगले दिन ऐसा है कि उस दिन चर्चा हो रहा था कैसे अंतकरण का वृत्ति का डिवीजन के अनुसार अंतकरण का फंक्शन का विभाग का अनुसार एक ही अंतकरण का मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा लग पड़ गया नाम
मन का कर्म है संकल्प विकल्प करना, ये सब नौ संकल्प विकल्प करते रहना, और संकल्प करने से एक पिक्चर आता है उसको चिपक लेना, मैग्नेट का मापिक चित्त का काम है, और बुद्धि निर्णय लेता है, निर्णय लेना बुद्धि का काम है, और मैं मेरा ये विचार पे रहने के लिए ये जो अहंकार, अहंकार दो किस्म का हो सकता है, एक है मेटेरियल अहंकार जिसका कोई बेसलेस है, इसका कोई बेस नहीं, फाउंडेशन नहीं है, निराधार। मेटेरियल आदमी ख्वाब देखते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, हमारा ये होगा वो होगा, सपने देखते रहते हैं, और अहंकार बेसलेस है, मैं मेरा विचार के द्वारा बंधन में डालते हैं, और ये अगर बंधन नहीं है तो कोई संसार नहीं करेगा। हम बाटिंडा में ये कह रहे थे बहुत दिन पहले, हाँ जी बताइए कैसा बंधन है, ना रस्सा का बंधन है, ना लोहे का श्रृंखल का बंधन, कुछ नहीं है, ये कैसा बंधन है कि भागे चले जाते हैं मन घर का ओर विषय में, कैसा बंधन है, कोई रस्सी का बंधन नहीं है, कोई लोहे का सिकल का बंधन नहीं, कुछ नहीं है, खुला, लेकिन फिर भी इतना जबरदस्त बंध है, बंधन है, ये इससे छुटकारा पाना वाकई असंभव है, असंभव। ये अहंकार जो है मेटेरियल अहंकार, ये मेटेरियल अहंकार के कारण ये संसार बैठे हुए है, चारों ओर जो संसार चल रहा है ना, अ फ्लो अ स्ट्रीम ऑफ संसार, ये अहंकार नहीं रहने से बिल्कुल ही नहीं रहेगा, संसार और अहंकार दोनों जुड़ा हुआ है, एक से दूसरे का भाग नहीं किया जा सकता है, अहंकार है तो संसार है, संसार है तो अहंकार जरूर है। आना पितात्व करना निशी निश्चयाना नाना नाना मनोरथ धिया खन भग्न निद्रा दैव अहतार्थ रचना ऋषयोपि देवा युष्मात् प्रसंग विमुखा यह संसरंती, बताया था ना बहुत दिन पहले, युष्मत प्रसंग विमुखा अस्मत जुष्मत, ये सब बात संस्कृत में आता है, जुष्मत प्रसंग विमुखा यह संसार, ठाकुर जी आपका चिंतन से जो बाहर है उसको ही संसार पकड़ेगा। अहम नाप्तितार्थ करना निशी निश्चयाना नाना मनोरथ धिया खन भगन निद्रा दैव अहतार्थ रचना ऋषयो योपि देवा युष्मात् प्रसंग विमुखा यह संसरन्ति, युष्मात् प्रसंग विमुखा यह संसरन्ति। संसार का पोल पट्टी खुल गया ना, संसार का पोल पट्टी खुल गया ना, कौन संसार है, बोले जो भगवान से विमुख है, यह संसरन्ति, संश्री गमन करता है, संसार में आया है, ये नहीं बताएगा संसार अब उसका ही है ना, संसार में गया, जैसे कि फॉरेन कंट्री में जाता है ना, जाते हैं तो आ जाओ, संसार में पहुंच गया और फिर वापस आ जाओ, वापस कहाँ, मैं नॉर्मल भावना पे जीवे स्वरूप है कृष्ण दित्त दास, इसी में आ जाओ, ये अपना घर है, फॉरेन में क्यों गया, बिना पासपोर्ट वीसा गया, चला गया, पकड़ा गया, ऐसा ही है, जो संसार में गया है, स्वरूप में जीवों का संसार नहीं है, संसार में गया है, अब उसको गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा फिर से वापस लाए, वापस लाने का कोशिश करो,
लेक्चर देना बहुत इजी है और हरिकथा सुनना इजी है, लेकिन वास्तव श्रवण करना और वास्तव जिंदगी में ग्रहण करना असंभव है। फिर भी संभव है, असंभव अगर है तो कोई पार कैसे पार हो जाए। निश्चा से नहीं वो विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कितनियो तो बाल्या हरे नाम है। ऐसा करके विचार करके देखे तो अर्जुन का मापिक हमको भी प्रश्न करना चाहिए। अगर जीवन में कोई क्वेश्चन नहीं है, पारमार्थिक कोई जिज्ञासा नहीं है, तो यूं समझ लो कि भजन ही नहीं है। कोई अगर सस्ते कई अगर समझते हैं कोई पूछताछ के क्या जरूरी है, तो ये बोका है, वो जानता नहीं ना कृष्ण भजन करना, गुरु का सेवन करना, उसमें माया का जाल से बाहर निकालना और इसका बाद कृष्ण चरण में आरोहण करना, चैतन्य चैतन्य एक बात है, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए अमी तहार प्रकाश, ऐसा दी। और भी लिखा है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाल छूटे भाई कृष्ण चरण। हरि भजन करना बहुत जरूरी है निश्चित रूप से, एक पल भर समय खराब करना जरूरी नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो हो गया हो गया, और समय खराब करना एक पल भर भी एक मुहूर्त कृष्ण समय खराब करना उचित नहीं है। इसी मुहूर्त इसी समय कृष्ण कृपा लाभ करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या बालक है, क्या वृद्ध है, कि युवक है, युवती है, कि पुरुष की स्त्री, ऐसा कोई बात ही नहीं होता। हर कोई के लिए एक ही बात है, जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं। टाइम इज लाइफ। इसी मुहूर्त हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को हरि भजन शुरू कर देना चाहिए। हर वक्त ये सोचनी चाहिए कि अभी मैं मरने जा रहा हूं, परीक्षित महाराज का जैसा भावना था, मैं अभी मरने वाला हूं। अभी कोई आदमी का ऐसा विचार है, वो ठीक है कोई बात नहीं, अभी एंजॉयमेंट कटा दो, खाओ पियो जियो, बाद में देखी जाएगी अंतिम समय में। प्रभुपाद कहते ये विचार ठीक नहीं है, खाओ पियो जियो ये विचार जो है ये ठीक नहीं है। ये लोग का विचार ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम इज लाइफ। हर पल भर में हमारा जीवन जिंदगी का परमायु परम आयु क्षय होते जा रहा है। जैसे बसंत काल में स्प्रिंग, बसंत काल में ऊपर से पूरा सूखा पाता धीरे धीरे एक एक करके नीचे गिर रहा है, हमारा भी एक एक पल भर समय, एक मुहूर्त, एक दिन, एक महीना, एक साल, कैसे कैसे चले जा रहा है, परमाणु क्षय होते जा रहा है। और टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो समय बीत गया और आने वाला नहीं है, जो समय हमारा जिंदगी से चला गया बिना हरिभजन चला गया, वो तो आज समय आएगा नहीं। अगर हरिभजन किया तो डिपॉजिट में आएगा, पॉजिटिव खाते में आएगा,
जीवन ऐसा ही चले जाए तो कोई कभी ये समय, आज जो समय चला गया अभी दोबारा आएगा नहीं। ये सब चिंता करते हुए जीवन जिंदगी का एक पल भर समय हरिभजन के बिना रहना ठीक नहीं है। भक्तिमय ठाकुर जी ने कीर्तन में गाया है, प्रभुपाद जी ने इसको उठाया, विचार बनाया, जीवनो समाप्त काले करीब भजन एवे कोरी गृह शोक एक कथा नहीं बोले विज्ञो जन ए देहो पतन उन्मुख। ये बंगला है लेकिन बहुत अच्छा है कीर्तन। जीवनो समाप्त काले करीब भजन एवे कोरी गृह शोक, जीवन अंतिम समय में भजन कर लेंगे कोई बात नहीं, एवे कोरी गृह शोक अभी एंजॉयमेंट ले लो, मजा ले लो, घर गृहस्थी का और साधु भी है अंदर में, अगर गृह मेधा है, इस दिन चर्चा किया था ना संकीर्तन मेधा और गृह मेधा, जिसका त्यागी बेस में भी गृह मेधा है तो वो जरूर गृह मेधी है, और जो संसार में बैठे हुए हैं दिखाई पड़ता लेकिन संसार का कोई चिंता है ही नहीं, उसका संकीर्तन मेधा है। बहुत सारे ऐसा गृहस्थी हैं, बहुत संकीर्तन मेधा है, भक्तिमय ठाकुर, शिवास पंडित, बकेश्वर पंडित, सब कोई का देखो संकीर्तन मेधा, सब संकीर्तन मेधा, गृह मेधा नहीं है। संकीर्तन मेधा जब तक विकसित हो जाए तो अपने आप चलते रहेगा सही रास्ता पे, भजन का गाड़ी। शिला संत गोस्वामी महाराज का चाचा, पूर्वाश्रम का चाचा केष्टो बाबू, क्या नाम भूल गया मैं, भूल गया, प्रभुपाद का प्यारा था, प्रभुपाद का आश्रित थे, और इतना सुंदर करते कीर्तन करते थे कि मत पूछो, लेकिन घर में रहते थे और कीर्तन करना शुरू करते, घंटों भर कीर्तन ही करते चले, प्रभुपाद को बहुत संतुष्टि होता था। बाहरी दृष्टि में गृहस्थी है, अंतर में घर गृहस्थी कुछ नहीं है, फिर हर वक्त भगवत चिंतन में मशगूल है, ये बड़ा बात चीज है, बड़ा बात। तो इसीलिए कह रहा था, चर्चा हुआ था, जिसका गृह मेधा त्यागी बेस में भी संन्यासी है, आचार्य है, कुछ भी है, ये फर्क नहीं पड़ता, इसका कौन डिजिग्नेशन है ये फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी एंड कंटेंट क्वांटिटी कैन नॉट परसिस्ट टुगेदर, क्वालिटी है तो क्वांटिटी नहीं मिलेगा, क्वालिटी क्वांटिटी अगर मिलना मिलने का इच्छा है क्वालिटी क्वांटिटी तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसे संकीर्तन मेधा जिसका नहीं हो विकास हो पाया उसके लिए हर हालत में खतरा है, सिर्फ उसका लिए खतरा नहीं है, जो लोग उसका पीछे भी है, दोज हु आर द फॉलोअर्स, पीछे फॉलो कर रहा है उसका लिए खतरा है, क्योंकि खूब विषय आनंद में है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में पड़े हुए हैं। अभी संकीर्तन मेधा हर हालत में सुविधा दे सकता है, इसमें संकीर्तन मेधा का विकास मतलब प्रभुपाद बोला हो गया, छुट्टी है उसका, कोई बात नहीं, अब तो गाड़ी चलते रहेगा भजन का। जीवन समाप्तो काले करीबो भजन एवे करी गृह सुख एक कथा कखनो एक कथा नहीं बोले विज्ञ जन, जो विज्ञ हैं, जिसका कृपा मिला है गुरु वैष्णव का, विज्ञ हैं, जानता है सब कुछ, वो उसको पता है कि शरीर जाने वाला है इसलिए वो खराब नहीं करे, विज्ञ व्यक्ति कभी ऐसा नहीं, मूर्ख जो है ऐसा, भजन का सुसमय खो जाने से त्रिताप का अग्निकुंड, संसार जो है
दावानल, महापुज जी मतलब संसार दावानल विश्वनाथ चकुति बहन, संसार दावानल सदृश है, कब कुछ हो जाए, कोई किसी को खून कर दे, किसी का लुटेरा लूट ले जाए पैसा धन संपत्ति, किसी का कोई चिट फंड में गया लाखों लाखों रुपया, किसी का शेयर में गया, है ना, ऐसा करके किसी का बीबी को उठा के लेके गया किसी ने, अग्निकुंड है जिसका साथ अनंत देव का साक्ष हुआ है, संबंध हुआ है, वो संसार को देख के हा हा करते करते हंसते रहते हैं। संसार में जब रोते रहते हैं ना लोग, संसार में जब लोग रोते रहते हैं, कुछ दिन पहले ही 5-7 साल पहले चंडीगढ़ का एक आदमी, किसी को पैसा दे दिया, उसका पास पैसा, बाबा तो रिटायरमेंट कुछ नहीं है, जो अमानती पैसा सब दे दिया किसी चीटर को, वो लेके गया और मेरे को खबर भेजा, कैसे रोना शुरू कर दिया, महाराज आप कृपा करो, भगवान को बोला ले, देने का टाइम में तो मेरे को नहीं बोला, देने का टाइम में नहीं बोला, किसी चीटर को दे दिया, चंडीगढ़ में और आदमी का भी 4-5 लोग रुक गया, खा गया, चीटर है, मेरा भी खाया थोड़ा बहुत, ऐसे खाया नहीं, प्रिंटिंग कराया उसके बाद पैसा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तो किताब छपाया, कोई बात नहीं, ऐसा करके संसार दावा नलिन लोको, संसार अग्निकुंड है, सब इसी में गोता लगाना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं। केशव कुशी में परम पूज्य केशव कुशी में कहते थे, ये लोग चाहता है कि हमारा जीवन जिंदगी निश्चिंत हो जाए, वह आराम से गुजार देंगे, बाकी देखिए वो जानते नहीं है, दे ही इज ऑलरेडी ऑन ए फ्राइंग पैन, उसका पास मुसीबत आन पड़े तो छलंग लगाया फायर में, किसी किसी में कहते थे ये फ्राइंग पैन इसमें कष्ट हो रहा था, उसमें से अगन फिर आंख में छलंग लगाए तो का कमी हुआ कष्ट का कि ज्यादा हुआ, कौन कहे। ऐसा ही करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरि भजन हर मुहूर्त में हमको करना चाहिए, आज साधु संग नहीं होने से हरि भजन होना संभव नहीं, लेकिन साधु संग मुश्किल की बात है, साधु कहाँ मिले, बहुत मुश्किल, कली काले गुरु जी कहते थे कली काले साधु पावा कठिन जानिया, समझते हो ना थोड़ा थोड़ा बंगला, कली काले साधु पावा कठिन जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला न दिया, ये जगदानंद पंडित का, कालिकाल में साधु मिलना बहुत मुश्किल है, एब्सोल्यूट ट्रूथ अप्राकृत सत्य का बात तो हम छोड़ ही दिया, चलो कोई बात नहीं, हमारा इतना हिम्मत नहीं कि एब्सोल्यूट सत्य में किसका प्रतिष्ठा है ढूंढना शुरू कर दे, ये अपेरेंट ट्रूथ जो है ये सच्चाई झूठा ये भी मानने वाले नहीं है, ऐसा स्थिति हो गया कि अब आम आदमी साधु का पास जाने से डरते हैं, मिनिस्टर का पास जाने से डरते हैं, समझे, पुलिस का पास जाने से डरते हैं, क्योंकि इंसाफ तो नहीं मिले, घोटला हो जाएगा फिर उल्टा हो जाएगा, ये तो समाधान करने वाला नहीं है, जब भी दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, वास्तव साधु नहीं हो तो पब्लिक सर्वेंट ही है और क्या, संगीतन थोड़ा दिखावा कर रहा है, कुछ बट रहे हैं, कुछ ये पब्लिक सर्वेंट है, दे आर सपोज टू डू रेंडर सम पब्लिक सर्विस बट दे आर नॉट डूइंग, ये असंभव बात है, तमाम दुनिया में ऐसा हालत है, आदमी का खटिया खड़ा हो गया, दुख ही दूध, किसी का पास सुख नहीं है, इस हालत में दुख से परेशान होकर कोई साधु का पास जाए, अपना कष्ट मिटाए, दुख को दुख भरे नाले सुनाए, ऐसा जगह भी आजकल के जमाने में मिलना मुश्किल हो गया, आजकल के जमाने में जिसका पास
जाने से अपना अंतरात्मा अंतरात्मा का प्रशांति मिलता है। जहारो निकट गेले पाप दूरे जाए, जहारो निकट गेले पाप दूरे जाए, एमनो दयाल कभु केवा कुथा पाए। जिसका पास जाने से पाप ताप सारे दूर हो जाता है, जितना जलन है सारे प्रशांति को प्राप्त करता है। ऐसा जमाना आ गया, और कोई अगर ऐसा चाहता है कि सत्य का प्रतिष्ठा हो, जगत में शांति का प्रतिष्ठा हो, ये व्यक्ति वो अगर चाहता है तो उसका लिए बड़ी मुश्किल है, उसको छांट देंगे समाज। इसी हालत में हरि भजन छोड़ का दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र तो चाहे, संसार जीनित हार कोनो वस्तु ना है, भोग बा त्याग दोनों का ही चेष्टा छोड़कर हरि भजन में तत्पर व्यस्त होने से स्वरूप सिद्धि हो जाएगा। और स्वरूप सिद्धि जब स्वरूप सिद्धि लाभ जब आ जाए तो अनर्थ सारे चल जाए। गुरुवानुगत्व में भजन करते करते प्राप्तन कर्मफल, गुरुवानुगत्व में भजन करते करते प्राप्तन पहले वाला कर्मफल का खत्म हो जाए तो सिद्धि अनिवार्य है, सिद्धि अनिवार्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए गोविंद चरण, हो गया ना कृष्ण चरण। एकादश अध्याय बड़ा विशेष है, गीता का एकादश अध्याय बड़ा विशेष है। विशेष की लिए है यहाँ एक विशेष दर्शन है, विश्वरूप आदि, विश्वरूप का दर्शन चैतन्य चरितामृत में भी है, इधर उधर भी है, पूरा भागवत में भी है, गीता में तो है ही है, महाभारत में। यहाँ एकादश अध्याय में है, एकादश अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं इतना तक सुना है भगवान का बारे में सारी सारे विषय, विभूति का बारे में बताए, सब कुछ बताए, देखो हम ही सब है, जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी नहीं देख रहे हो, नजर का बाहर, चिंता का बाहर, जो कुछ भी है सब मैं हूं। मतलब अद्वैत ज्ञान तत्व का पूरा खुलासा किया, जगत में मैं छोड़कर हम छोड़कर कुछ है ही नहीं कोई वस्तु, अद्वैत ज्ञान तत्व का यही विशेष है ना। अचिंत भेदाभेद तत्व में जब भी भगवान का अद्वैत ज्ञान तत्व है ही है, फिर अचिंत भेदाभेद तत्व के द्वारा साइमल्टेनियसली भेद और अभेद दोनों सिद्ध होता है। कैसे होता है, बहुत बार पहले चर्चा भी किया था जीव तत्व में, जीव तत्व का चर्चा के समय में, ये हमारा गौरंग महापुर का विशेष अवदान है, जीव को सही पाकर बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या की। भगवान का शक्ति भगवान का साथ अभेद है, भेद और अभेद दोनों ही सच्चा है। अर्जुन यह कह रहे हैं कि एकादश अध्याय में मदनुगृहायो परमं गुह्यं माध्यात्व संगीतम यत् तयोक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। अर्जुन कहना शुरू कर दिया, आप जो मेरा प्रति अनुग्रह, तुम जो अनुग्रह करके मेरा ऊपर अनुग्रह करके परम गुह्य अध्यात्व तत्व को उपदेश कर दिया, तत्व वर्णन कर दिया, इसमें मेरा मोह बिल्कुल खत्म। अर्जुन कह रहे हैं
मदनुग्रहायो, मेरे को अनुग्रह दिखाने के लिए करने के लिए परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम, आध्यात्म संगीत विद्वाजो यत्योक्तम, या आपका द्वारा कथित हो हुआ है, आप जो कह चुके हो यत्योक्तम वचस्तेनो, ये वाक्य के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा मोह अयम विगत मोह, मेरा अंदर में जो मोह बना हुआ था, इन्फेचुएशन बना हुआ था, असाय विगत हो गया, खत्म हो गया। अब प्रश्न होता है महाराज अर्जुन का मोह कैसे हो सकता, नर नर नारायण है, भगवान का दोस्त है, सारे एक साथ नर नारायण रूप से आए, अभी भी तपस्या कर रहा है बद्धि केदारनाथ बद्धि नारायण में, ये तो है ही है, क्वेश्चन है, ये हो ही नहीं सकता, फिर भी संभव है, क्यों नहीं, तो ये गीता का जो उपदेश है महाभारत में, ये गीता का उपदेश असंभव है। परीक्षित महाराज का बारे में भी पहले बहुत बार कह चुका, भागवत में तीन चार स्थान, तीन चार जगह ऐसा लिखा है, एशो महाभागवत है, ये महाभागवत है। अब ये बताओ कि महाभागवत का क्या लक्षण है और क्या लक्षण यू नो कनिष्ठ अधिकारी का, मध्यम अधिकारी का, और महाभागवत का क्या लक्षण है, आप जानते हो भगवत महाभागवत का एक पल भर समय भी भगवान का अनुचिंतन के बिना गुजारते नहीं, लेकिन इधर परीक्षित महाराज को भगवान का यही इच्छा, परीक्षित महाराज को ऐसा प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया मानो कि लगे कि ये अज्ञान है, इसको परिप्रश्न आते रहते गुरु जी के सामने क्वेश्चन करे वो उत्तर भी आएगा, ऐसा करके अथो पिच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं यम मनुष्य सर्वदा, जिन्होंने मातृगर्भ में भगवान का दर्शन किया, सिर्फ इतना ही नहीं, जिनको भगवान ने अपना चक्र पकड़ कर या गदा पकड़ कर रक्षा किया ब्रह्मास्त्र से, जिनके माता जी के ऊपर भरपूर भगवान का विश्वास कृपा है, उसका माया कैसे, उसका सांप भी कैसे लगे, इसका तो सांप लगने का कोई सवाल अब सवाल ही नहीं है, कहां से सांप लग गया, ब्रह्म सांप जो लग गया ये कैसे लग गया, ऐसा असंभव है, बहुत आदमी उल्टा व्याख्या करते हैं। परीक्षित महाराज सोने का मुकुट लगा के गया था, इसलिए माया पकड़ा, परीक्षित महाराज जो स्थान दिया था कली को, जा पुनश्च जातो मानायो, भागवत में है ना, पुनश्च जाचो मानायो जात रूपम अदात विभु, पहले तो चार स्थान दे चुके, पहले कली को चार स्थान दे दिया परीक्षित मां, अभ्यर्थितो तदा तस्मै स्थानानी कलये ददौ, ये नया जगह में जो हरिकथा हुआ था अक्षय तृतीया में, इस पे चर्चा हुआ था इस विषय में, अभ्यर्थितो तदा तस्मै स्थानानी कलये ददौ दूतम पानम इनो इनो, ये जो श्लोक है स्त्री और सुना, दूतम पानम स्त्री और सुना जत्रा धर्मो चतुर्विदः चतुष्टयः, चार किस्म का अधर्म है, दूतम एन गैम्बलिंग जुआ खेलना, पानम नशा करना, किसी किस्म का धूम्र है यह है कुसी, स्त्रियम पानम ए दूतम पानम स्त्रियो स्त्री प्रसंग है, सूना माने पानी हिंसा, इसमें भी कली का जगह क
का सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाई, बोला और थोड़ा बड़ा जगह चाहिए मेरा, थोड़ा कृपा करके हमको बताएं जैसे रिलैक्स्ड वे में रह सके। तो बार बार ये कहते 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 परीक्षित महाराज जी सोचा चलो ठीक है, सोने चांदी हीरा जवरत है, और हीरा जवरत सब इसमें तो ऐसे कली तो आएगा, ठीक है चलो इसमें चार तो है ही है तो इसको दे देते चलो। पुनश्च जाचो मानायो या तो रूपम अदात विभु, ये सोने चांदी पर दे दिया कि नहीं ऐसे ही है, जिसका पास सोना चांदी है काटा पीटी होगा ही होगा, ये होगा ही कोई रोक नहीं सकता। एक परीक्षित महाराज पृथ्वी महाराज ये लोगों का पास नहीं है, युधिष्ठिर महाराज उस अम्बरीश महाराज इसका बात छोड़ो, बाकी कली का जो जितना सारे आदमी है उसको कौन छुड़ा सकता है, फांसी का फंदा बन में फांसी का फंदा बन के रह जाएगा। परीक्षित महाराज कभी बद्ध जीव नहीं है, महाभागवत है, फिर भी जोग माया का व्यवस्था है, इसी अवस्था में खड़ा करके हमारा समाधान, हमारा जो समाधान नहीं है प्राप्ति करने के लिए एक रास्ता खोल गया। ऐसा ही सोचो गीता में भी, जब भी अर्जुन पार्षद है भगवान का, फिर भी ये एक रास्ता खोल गया, बहुत सारे विचार आता है, वो सारे क्या करता है महाभारत पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सब मत पढ़ो पागल पागल बन जाओगे, इसमें जो समाधान है दिखेगा नहीं कोई समाधान, कोई गुरु वैष्णव वैश्यपायन वैश्यपायन ऋषि का पास सुना था जन्मेजय महाभारत, और हर आदमी तो अगर अपने आप पढ़ने जाए तो महाभारत कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन जो है बढ़ते चलेगा, कन्फ्यूजन मतलब अनास्था, कन्फ्यूजन का मतलब है अनास्था, अरे कैसे हो गया ऐसा, ही ची ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे तुमको क्या पता शास्त्रों का सिद्धांत तो ज्ञान नहीं, अरे एकलव्य नहीं है क्या, अच्छा था ककलव्य, द्रोणाचार्य बदमाश है ये ठीक नहीं है, ये गुरु है बदमाश है, ऐसा विचार आएगा और गिर जाओगे। इसी गुरु वैष्णव का अनुगत में करना ठीक है, प्रभुपाद जी ने बताया ये सब मत पढ़ो, चैतन्य भागवत पढ़ो, इसमें समाधान हो सकता है, विश्वास नहीं अनास्था है, जिसका अंदर में डाउट है सस्पिशन है अनास्था, इसका मतलब क्या अनास्था है, साधु गुरु वैष्णव के अनास्था पैदा हो जाए, तो ये अनास्था जो है बा मुश्किल। गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम परिकर वैशिष्ट किसी चीज में तमाम जिंदगी भजन करने का बावजूद, भजन करने का बावजूद मतलब पक्का भजन नहीं हुआ, नहीं तो डाउट कैसे आए, मेरा कहने का मतलब है किया है ठीक है चलो, लेकिन संशय संदेह से पड़े नहीं हो पाए, संशय संदेह से पड़े जाना, संशय संदेह से परे हो जाना यही तो सिद्धि है और क्या, और नहीं हो पाया तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, जिसका संशय हो गया भगवान में भक्तों में भक्ति में सारे जो है, हम अंग्रेजी कथा में भी इसको बताना जरूरी है, बहुत सारे धमाका चल रहा है, ये प्रीचिंग का जो नेटवर्क इसको गिराने के लिए बड़ा, मेरे को तो हंसी लग रहा है, बहुत चेष्टा चल रहा है फॉरेन में मैसेज उल्टा करो, हम तो हंसते रहते हमारा गुस्सा कैसे होगा, हमारा फ्री सर्विस है कोई मोटिवेशन नहीं है, ऐसे ही चलते रहते हैं, दुनिया में अच्छा काम नहीं करने देंगे, अपने भी नहीं कर, खुद भी नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी ने हंसी उड़ा के कहते थे, प्रभुपाद ने प्रभुपाद अक्सर कहते थे भालो यदि ना करते पारी मंदो करते पारी, प्रभुपाद जी बंगला में कहते थे, या हिंदी में भी एक कहावत है
किसी का अच्छा नहीं कर सको तो बुरा कम से कम बुरा मत करो, बुरा मत करो, अच्छा नहीं कर ठीक है चलो कोई तुम्हारा तुमसे बनता नहीं हो करो मत, अच्छा नहीं करो तो बुरा करो ये क्या बात है। बालो यदि ना पारी तो मंदो मंदो करते पारी, पापा जी कह रहे गौरी मठ का ये जो इतना अनंत वैभव है भक्ति वैभव, इसको आगे बढ़ाने के लिए किसी का हेडेक नहीं है, सब अपना अपना सोच रहा है। आ कोई सोचे तो उसको मारो पीटो काटो उसको उल्टा बदनामी कर दो, ऐसा ही स्थिति पैदा हो गया, कहाँ जाए। मेरे को तो रोना आता है कभी कभी, बोलता है हा बामन महाराज कहाँ चला गया, हा तीर्थ महाराज कहाँ चला गया, हमको छोड़ के अकेला किसका पास जाऊं। कभी कभी तीर्थ महाराज जी का पास पहले कहते थे अपना दुख की बात है, सेवा से ऐसा किया सेवा से महाराज करने नहीं दिया, महाराज समझाते थे कोई बात नहीं आपका सेवा करने का इच्छा है, आपका तो उद्देश्य जो है टारगेट जो है अच्छा है, भगवान आज नहीं तो कल, संत महाराज जी कंसोलेशन देते थे, कोई चिंता नहीं संप्रदाय का सेवा आप करोगे, चिट्ठी में लिखा हुआ है सब सच्चा हो रहा है, ठाकुर जी करा रहे। भालो यदि ना करी तो मंद करते पारी, खराब करना मेरा स्वभाव है कर। तो ये जो विचार है परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज कोई बद्ध जीव नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज को ऐसा एक प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया करके हमारे लिए समाधान निकाल दिया, नहीं तो समाधान के क्वेश्चन आंसर चाहिए ना, एक बहाना तो चाहिए, जिस बहाने से हमारा पास ये गीता प्रवचन पैदा हुआ आ गया, पैदा मतलब नित्य है, नित्य जगत से अवतीर्ण हुआ। अर्जुन का भी ऐसा है, अर्जुन का अगर आप सोचो कि अर्जुन का मोह हुआ तो ये गलत फहमी है, ये समझनी चाहिए कि गीता प्रवचन को हमारा सामने लाने के लिए एक भगवान का सामने रास्ता खुला था कि अर्जुन जैसा प्यारा है दोस्त है इसको क्यों ना खड़ा कर दे, और इसमें प्रवचन भगवान ठाकुर जी ने कर दिया। मदनो गृहायो परमम गुह्यम आध्वात्व संगीतम, अधिदैव अधिभूत अधिजोग्य आध्वात्व, ये सब विचार बहुत पहले चर्चा किया था, अधिभूत क्या है अधिदैव क्या है ये सब चर्चा हुआ था, पीछे जाओ समझ में आएगा सब। तो मदनु गृहायो परमम गुज्जम माध्यात्तो संगीतम यत्तयुक्तम, जिस प्रवचन ने आपने कह दिया उपदेश दे दिया वचस्तेन वचः जो प्रवचन कर दिया तेनो इसके द्वारा मोह अयम मेरा अंदर में जो मोह बना हुआ था विगतम हम, ये ठाकुर जी का खेल है। मानो कि अर्जुन कहना चाहता है कि ये मोह हमारा विगत हो गया विनष्ट हो गया खत्म हो गया, अर्थात खत्म होने का मतलब है क्या कहना चाहते हो कि मोह नष्ट होने से एज इट इज जो कुछ है, आई बात समझ में, मोह नष्ट होने का कारण क्या है, क्यों आदमी लोग गुरु वैष्णव का हृदय को देख नहीं सकता, क्या कारण है, क्योंकि संसार का मोह है। जिस वक्त संसार का मोह विगत हो जाए तुरंत रोना आ जाएगा, कहाँ तीर्थ महाराज चला गया, कहाँ हमारा गुरुजी चला गया, कहाँ प्रभुपाद चला गया, क्योंकि संबंध ज्ञान जो है ये नित्य है, सिर्फ इतना ही है जीव मोह प्राप्त है इसीलिए समझ में नहीं। ये हमारा साथ गुरु वैष्णव का जो नित्य नित्य रिश्ता जो है ये परमानेंट है, ये कोई आज बनाया हुआ नहीं हम बना लेंगे ऐसा नहीं, दीक्षा के द्वारा बना लेंगे ऐसा नहीं, नित्य है, सिर्फ इसको अब इसका डिस्कवर करना खोज के निकालना वाकिवहल होना इंस्टॉल करना हृदय में वो तो यही है।
माया में जब जीव रहते हैं उस समय भी जीवों का जो जो अपना जो परिचय है जीव का स्वरूप वास्तव स्वरूप वो अंदर में है। ऐसा नहीं कि जीवों का स्वरूप नया किसी जगह से आया है, ये है अंदर में। माया में, माया में जब जीव तैरते हैं, माया में जीव जब तैरते हैं माया का समुन्द्र में, उस वक्त भी उसका स्वरूप का परिचय जो है अंदर में, लेकिन विकसित नहीं, इतना ही फर्क है। तो क्या कहना चाहते हो कि अर्जुन कहना चाहता है कि मोह विनष्ट हो गया, तो क्या है मोह विनष्ट होने का क्या कहना चाहते हो? बोले मोह विनष्ट हुआ तो आपका जो तत्व है ये समझ में आया। हाँ, तो कम टू द पॉइंट। मोह रहते समय जीव मोहग्रस्त रहते समय जो जीवों का जो मोह रहते हैं उस समय गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम किसी का तत्व प्रकाशित नहीं हो पाते। सिर्फ इतना ही है अर्जुन कहना चाहता है कि हमारा मोह विनष्ट हुआ, इसका मतलब है अब तुम्हारा तत्व का बारे में थोड़ा जानकारी हुआ, तुम्हारा प्रकृत तत्व वास्तव तत्व ये सब इतना दिन का समय तुम मेरा दोस्त हो, जिगड़ी दोस्त हो, और क्या है गाली गलाज और कुछ इनो हंसी मजाक इसमें बिता दिया। अर्जुन आगे चल के कहेगा तत्क्षमस्य, जो सब हमने किया था तुम्हारा था मजा मस्ती किया उल्टा पलटा है ना, ये इनो दोस्ती का खातिर कुछ कह दिया भला बुरा, अब ये सब तो आप जानता हो, मैं तो मैंने बिना समझ के कह दिया, छी 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 छी, अब ये सब क्षमा करो मेरा। भगवान विश्व रूप देखने का बात कहेगा, अभी नहीं आया बाद में आएगा। अब कह रहे हैं कि आपका प्रकृत वास्तव तत्व जान के मेरा मोह विगत हुआ, मतलब जो उपदेश दिया गया ना शास्त्र में सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो अलौस यहां होते किसने लागे सुदीरो मानस, आई बात समझ में ना चैतन्य चैतन्य बात है। सिद्धांत तो बोल के आलसी मत हो जाओ, हरि भजन का आलसी भोजन का होशियार, आलू का परोठा बनेगा ये बनेगा वो बनेगा छोला भटूरा बनेगा वो भोजन का होशियार, हरि भजन में आते हैं अरे ठीक है कर लेंगे क्या बात है कौन सी बात है। ऐसा है अर्जुन कह रहे हैं कि अब तत्व समझ में आए, मोह विगत हो गया, उस आपका तत्व समझ में आया, कुछ कौन सी तत्व समझ में आया? अब समझ में आया मेरा जो कर्तापन है, मैं कुछ हूं, मैं अर्जुन हूं, मेरा गांडीव है, ये सब जो बातें हैं अब फीका पड़ गया। सर्वभूत का आप नियंत्रा हो, जंतुर जंतुर उड़ानी मायाया, सर्वभूत को मैं घुमा रहा हूं चक्का का मापिक, जंतुर उड़ानी मायाया, माया के द्वारा घुमा कर चक्का चला रहा हूं मैं, किसी को बता नहीं। सर्वभूत का नियंत्रण हो, कंट्रोलर हो, यू आर द ओवरऑल कंट्रोलर ऑफ द होल यूनिवर्स। सर्व कर्म का कौन जीव क्या करे इसका भी नियमक को कंट्रोलर हो, ऑफ कोर्स इसका कर्मफल के अनुसार जो कर्म करे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कुछ कर रहते हैं ये तो भगवान का द्वारा ही, भगवान का माया का द्वारा, क्योंकि कर्मफल खराब है तो माया का माया किसका है भगवान का ही है। इसीलिए तो अर्जुन कहा था ना, ऐ दुर्योधन कहा था ना, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। ये कौन सी बात है, भगवान किसी को क्या, हम गायत्री मंत्र जप करते हैं सुबह, क्या भगवान हमको उल्टा रास्ता में चलाओ, हमको पियक्का बना दो, हैं
हमको नरक में ले चला, ऐसा कोई प्रार्थना होता है कभी? ए प्रचोदयात मतलब भगवान हमको प्रेरणा दो, हमको भार्गव दिवस ये जो वो विचार है ओपनली करना नहीं ठीक है। धीमो ही धीमो ही, ये सब गायत्री का ही रहस्य है। हमको अच्छा कर्म में प्रेरणा दे दो, आपका भजन में आपका चिंतन में जगत का मंगल हो जाए। ठीक है, प्रचोदयात इन मंत्रों में छुपा हुआ रहस्य है। भगवान का साथ भगवान का पास चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी आप प्रकाशमान भर्गो देवस्यो। भर्गोदेव कौन है, ये कौन है और ज्योति किसका है? हैं, ये सब परा रहस्य है। ऐसे ही रास्ता पे मेरे को चालित करो, गुरु वैष्णव का कृपा हो जाए, भगवान का करुणा हो जाए, तो सही रास्ता में चलते चलते चलेगा, चलता शुरू कर देगा। अब ये समझ में आए कि आप ही भूतों का सर्वभूत का नियंत्रण हो, सर्व कर्मों का कंट्रोलर हो, नियामक हो। हम ये समझ में जब आए तो मेरा जो कर्तापन है ये फीका पड़ गया। मैं डुअर हूं, मैं जोधा हूं, कैसे मरूं, पिताओं विश्व को कैसे तीर चलाऊं, ये संभव कैसे है? ये सब बातें अब समझ में आए, कुछ भी नहीं, सब तुम ही हो। जहां देखे ठाकुर जी आप ही हो। मैं करता हूं, मेरा कर्म है, कैसे कर्म करे, कर्म का फल कैसा मिलेगा, ये सब चिंता में मैं डूबा हुआ था। इसमें से आप मेरे को निकालकर बाहर कर दिया। ये तत्व ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा ठाकुर जी बड़ा एहसान मान रहा हूं। ये जो मोह बना हुआ था ये मेरा खत्म हो गया 100%। ये नहीं कह रहे खत्म हो गया, क्योंकि ये भगवान का लीला है, आगे चल के और प्रश्न होगा। अर्जुन कह रहे हैं नाउ, अभी मेरा समझ में आ गया कि तुम करता हूं, तुम जंत्री हो, इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, आप चला रहे हैं। जैसे राय रामानंद जी महाप्रभु के सामने गोदावरी तट में कह दिया था ना, और किशोरदास कबीरदास गोस्वामी कह दिया, राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय। राय रामानंद का जबान पे स्वयं महाप्रभु वक्ता है। और तीर्थ महाराज जी कभी कभी ये कहते थे, बड़ा अनुभव की बात है, कभी कभी कीर्तन से, पियाईया प्रेम मत कोरी मोरे, सुनो निजो गुनो गान। भक्तिमय ठाकुर का एक कीर्तन है, ठाकुर जी मैं हरिकथा बोलने वाला कौन हूं, मेरा कितना अहंकार है कि मैं हरिकथा बोल रहा हूं, छी 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 छी, ये उचित नहीं है। भक्तिमय ठाकुर शिक्षा दे रहे हैं, ठाकुर जी मैं हरिकथा बोल रहा हूं कैसा, मैं कीर्तन कर रहा हूं ये कैसा भावना है, ये तो ठीक नहीं है। पियाई या प्रेम, अपने भरपूर प्रेम को पिला दो, और पियाक्का जैसे पान करने के बाद मशगूल हो जाते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं, पियाई या प्रेम मत तो कोरी मोरे, मत तो माना एकदम मताल हो गया। तीर्थ महाराज जी कभी कभी ये कहते थे हेरी कथा में, पियाया प्रेम मत तो गुरी मोरे, आप मेरे को प्रेम पिला पिला कर ऐसे मतवारा कर दिया कि मैं बड़बड़ाते हूं, आपका बातें कहते रहता हूं, पियाया प्रेम मत तो गुरी मोरे, और आप ही अपना अपना जो अपना जो अपना जो
अनोखा गुणगान है, ये आप ही सुनो, आप ही सुनो आपका गुणगान। आप क्या करें, मेरा बस का काम नहीं है, लेकिन आप कर, आप कराओगे तो मैं कर सकूं, बस नहीं है। पी आई या प्रेम मत करी मोरे, सुनो निजो गुणगान। राय महाशय भी ऐसा कह दिया ठाकुर जी को, मैं जंत्र हूं आप जंत्री हूं, राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय। राय रामानंद के जवान पे साक्षात महाप्रभु परात पर अखिलेश्वर गौरांग जी प्रवचन करते, रूपानुगो भक्त रागानुगो भक्ति कैसा होता है, इसका एक अनोखा स्केच आउट। दुनिया में एक भी सच्चा बोलने वाले आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, सच्चा मेटेरियल सुच। अब प्राकृतिक सत्व के बारे में तो छोड़ ही दिया, ये ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल हो गया, जो कम से कम सच्चा बताए, ये भी नहीं है। अपना हिसाब को अनुसार बार उल्टा बोलते चलो, उल्टा थीसिस करते चलो, हालत को बिगाड़ दो। ऐसा जमाना आ गया। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, भगवान तो अभी कान है, भगवान शुरू करेगा। अर्जुन कह रहे हैं, भवापयो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरसो मया तत्त कमलपत्राक्ष तत्र तत्त कमलपत्राक्ष महात्मानम ओपी चाबयम। भवा पयो मतलब ये जन्म मरण का जो माला चढ़ता है, उत्पत्ति लय जो ध्वंसो सृष्टि प्रलय ये सब चलता है। भवा पयो भव माने एग्जिस्टेंस, उत्पत्ति होना, पयो लय प्राप्त होना, ये सब कुछ जो है। भवा पयो ही भूतानाम, ये भूतों का जीवों का उत्पत्ति एवं लय जो है, हे पद्म पलाश लोचन, पद्म पलाश लोचन हरि, भवा पयो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरसो मया, विस्तृत रूप से मैंने श्रवण किया है आपसे, श्रुतो मया, श्रुतो है लो तत्तो मतलब मत्तो मतलब मेरे से, हैं तत्तो माने तुमसे, अर्जुन कह रहे हैं आपसे ही, तत्तो मत्तो मतलब मेरे से ही हुआ। मत्तः परतरम नास्ति किंचित नास्ति धनंजय, मेरे से परतर वस्तु, मेरे से श्रेष्ठ वस्तु, मत्तः परतरम ये नहीं है कुछ, मैं ही सबसे, ये कंपैरेटिव विषय, मेरे से ही ज्यादा। तत्व मैंने आपसे, तत्व आपसे ही तो हुआ है ना, आपका सन्निधान, आपका सन्निधान आपका सामने, ये सब सुना है। क्या सुना है, भवा पयो ही भूतानाम श्रुतो विस्तारसो मया तत्व, आई बात समझ में, हम सुना है आपसे, आपका पास तत्तो पत्र कमल पत्राक्षो, ये विशेषण है, पद्म पलाश लोचन आपसे सुना है। और महात्मा नाम ओपिचा बयम, महात्मा नाम तुम्हारा जो अक्षय महिमा है, अक्षय महिमा, इसका विषय में भी मैं जानकारी प्राप्त हुआ है। पहले जैसे विभूति आदि सब पता है ना,
महात्मनम ओपी च अव्ययम, अव्ययम मने अस्खलित हो, अव्यय इसका व्यय नहीं है, क्षय नहीं है, अक्षय अव्ययम, अव्यय महात्मा, महात्मनम ओपी च, तुम्हारा जो महिमा है, पहले तो सुनने का टाइम में थोड़ा मन में फॉल्स ईगो आया है, कैसा है अपना महिमा बता रहा है, हैं इक्की भी के भी कोई बात हुआ, अपना महिमा बताते चलते हैं, मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, और अब तो समझ में आया भाई महाराज क्षमा करो, पहले जब शुरुआत में सुना था ये कैसा बात है, मैं ऐसा हूँ हैं मेरे को अर्चन करो, मेरा दंडवत करो प्रणाम, कैसा बात लगा था, लेकिन अब समझ में आया, अब मेरा में कोई संशय संदेह नहीं है, ये सब कुछ आपका सामने सन्निधान, तुम्हारा अक्षय महात्मा, ये सब कुछ जो विषय है, मैं सुनते सुनते अब मेरा रियलाइजेशन में उतारा है, अब मोह विगत हो गया है, भवा पयोहि भूतानाम श्रुतौ विस्तरसो मया तत्तः कमलपत्राक्षो महात्मनम ओपी चाभयम, ये सब सुनना है, आगे चल के कहते हैं, आगे का श्लोक में कहते हैं, एवं एतत् यथार्थो तमात्मनम परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, अब समझ में आया कि आप पुरुषोत्तम, अतो लोके च वेदे च कथितो पुरुषोत्तम प्रथितो पुरुषोत्तम, वेद पुराण सब में जो पुरुषोत्तम तत्व बोला गया, अब समझ में आया आवि ओ तत्व हो, एवं एतत् यथार्थो त्वम आत्मनम परमेश्वर, हे परमेश्वर यथा त्वम आत्मनम, अपना अपना विषय में अपना बारे में अथो मतलब बोल दिया आपने, बोला है जो कुछ भी बोला है आपने सब कुछ, एवं एतद् यथार्थो त्वम आत्मनम परमेश्वर, तो अपना विषय में हे परमेश्वर जो कुछ बताते गया अभी तक, बहुत सारे बताए, मेरा विभूति ये मैं हूँ, और ये सब मेरा ये समझ में तो आया है, अनुभव में उतारा है थोड़ा, लेकिन द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषत, तुम्हारा पुरुषोत्तम तुम्हारे वैभव संपन्न जो रूप है ये द्रष्टुम इच्छामि, कितना हिम्मत है देखो द्रष्टुम, ये भगवान का पार्षद है इसीलिए ऐसा बोला, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, तुम्हारा जो अनंत ऐश्वर्यमान तब ऐश्वर्य ऐश्वरिक रूपम द्रष्टुम इच्छामि, हमारा देखने का ख्वाहिश इच्छा हो रहा है, देखने का इच्छा हो रहा है, क्या करूं आपका ये जो रूप है ये देखने का मेरा इच्छा है, वैभव अनन्य वैभव संपन्न जो पुरुषोत्तम रूप, मतलब कहना चाहता है कि आपका विश्वरूप देना चाहता हूं, इसका मतलब तो यही और क्या है, भगवान का रूप देखना, हे पुरुषोत्तम तब ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ ना, और क्या हुआ, पूरा तमाम चीज को, अरे पहले भगवान बता दिया पहले अध्याय में, अथवा बहु नहीं थे न किंग गते न अर्जुनो, अरे इतना जानकारी कहते क्या करोगे तुम, ए काल का जोगी क्या करोगे इतना जानकारी लेके, अथवा बहु नहीं थे न किंग किंग गते न अर्जुनो विष्टव्याहम इदम कृष्णम, ये जो श्लोक बोला एकांशे न स्थितम जगत, ये जानकारी इतना जानकारी लेके क्या करोगे तुम, इतना जान लो
अनंत अनंत वैभव जो देख रहे हो मेरा बाहरी जगत में एक अंश न मेरा एक अंश एक सामान्य अंश एक अंश के द्वारा विधृत है। चांद सितारे जो कुछ भी है सारे तमाम दुनिया सब कुछ ये मेरा एक अंश सामान्य शक्ति के द्वारा विधित है। अब इतना जान के अथवा बहु नहीं थे न किंग थे न अथवा अर्जुन हे अर्जुन इतना जानकारी बात क्या करोगे है क्या काम का है तुम्हारा तुम जितना हो उतना जानकारी के ले लो क्या करोगे। अब क्या करें ये प्रश्न किया और भगवान तो है ही है खड़ा हुआ है उसको सब पोल पोटी खुलने के लिए देख ले मैं कौन हूं क्या हूं। मन से यदि एक कर्षी किया अर्जुन ने एक विनती किया ये बड़ा द्रष्टुमिच्छामी है ना ये अहंकार का बात है ए, मैं देख लूं देखने का इच्छा है द्रष्टुमिच्छामी ये कह नहीं सकता लेकिन अर्जुन ने ये कह दिया लेकिन इसका बात श्लोक में विनम्र भाव से कहा ऐसा नहीं कि द्रष्टुमिच्छामी एक ये देखने का ये चैलेंज नहीं है ये अगर देखने का काबिल मैं हूं तो दिखाओ ऐसा विनम्र भाव बताए क्योंकि विनम्र भाव के बिना हरि कथा हरि दर्शन कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाता। केशव गोस्वामी महाराज बाहरी दृष्टि में इतना कड़वा बात बोले लेकिन सच्चा पकड़ के लेना सच समझ लेना इसका अंदर में 100% त्रिनादपी का रहस्य है। लेक्चरर कोई अगर लेक्चरर है उसका लिए त्रिनाद भी जरूरी है नहीं लेकिन वास्तव हरिकथा के लिए जरूरी है त्रिनाद भी जो वास्तव हरिकथा कहते रहते हैं वो उसको लाद भी लगाए वो फिर भी आपका उपकार करने से इनकार नहीं करेंगे किया है ठीक है चलो बद्ध जीव कर दिया कर देगा ठीक है फिर भी विमुख नहीं होगा क्योंकि वो जीवों को हरि कथा सुनाना जीवों का माया का रस्सा से बचाना ये भगवान का सेवा समझ के करते हैं अपना कोई इच्छा नहीं है। हरि कथा मतलब बद्ध जीव को बचाना ये समझ के करते हैं कि महाराज हमको बड़ा भारी इनाम मिलेगी कौन सी इनाम भगवान का कृपा यही इनाम है इससे बढ़कर इनाम कुछ नहीं है इसके बढ़कर इनाम क्या हो सकता है भगवान ने कृपा भगवान संतुष्ट होके कृपा कर दे चलो ये जीवात्मा को आपने बचाया है शास्त्र में है हरिकथा सुनाना बचाना बड़ा बड़ा इतना बड़ा सेवा है इससे बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकता वाणी सेवा भगवान अगर कृपा करे तो चलते रहेगा। ते द्रष्टुम इच्छामि बाहरी दृष्टि में अहंकार का बात है हम देखना चाहते हैं अरे क्या देखोगे ये जगन्नाथ है पुरुषोत्तम है अनंत वैभव संपन्न है क्या देखोगे ना 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 ना। नेक्स्ट लाइन में अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा मन से यदि तत्क्यम मया द्रष्टुम इति प्रभु योगेश्वरो ततो मे त्वम दर्शयात्मनम अव्ययम हे अक्षय अमार हे अक्षर रूपी भगवान आप यदि ये समझते हो आपको यदि ये भावना है कि मैं सुनने का देखने का लायक हूं मन से यदि तत्सक्यम मैंने कह दिया अतः तुमको दिखाना ही पड़ेगा जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं मेरा इच्छा द्रष्टुम इच्छामि दिखाओ ऐसा नहीं विनम्र भाव से अर्जुन ने कह दिया क्योंकि विनम्र भाव छोड़ के कभी दर्शन नहीं हो सकता भगवान का दर्शन भक्तों का दर्शन तत्वों का दर्शन धाम का दर्शन अभिमान से भरपूर होकर धाम का दर्शन नाम का दर्शन साधु गुरु वैष्णव का दर्शन तत्वों का दर्शन भगवान दर्शन हो ही नहीं सकता ये तो प्रिलिमिनरी बातें हैं ये कहना ही क्या ये ऑटोमेटिकली है महाप्रभु जी ने त्रिनादवी ये तीसरा नंबर श्लोक में सारे रहस्य का उन्मोचन किया फिर भी किसी का अकल नहीं है समझ में नहीं आता
मैं वक्ता हूं, इतना हजारों शिष्य बनाया, अरे खुद शिष्य बना क्या, खुद शिष्य बनना चाहिए पहले, उसका बाद शिष्य बनाना है। जब जो गुरु का तत्व विज्ञान हृदय में ला सकता, गुरु के पास है पूरा, जैसे बामन गोस्वामी महाराज जी पूरा केशव गोस्वामी महाराज जितना सारे तत्व ज्ञान है पूरा के पूरा अपना हृदय में प्रकाश करके दिखाया, देखो इसीलिए उसका नाम पड़ गया ना बा मैंने केशव अधीत बामन रूप। ऐसे नहीं ये कोई गप बना दिया है, ये कोई फिलोसफी बना दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग जीवन जिंदगी में दिखा है, एक नाटक नहीं है। जो भी सिद्धांत लिखा है, जो भी बोला है, जो भी कुछ किया है, सारे ऑल इन लाइन विथ केशव गोस्वामी महाराज, पूरा ए पूरा के पूरा। मानो कि केशव गोस्वामी महाराज हृदय में बैठा कर प्रवचन कर रहे हैं, लिखा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। बहुत सारे हाईलाइट्स केशव गोस्वामी महाराज बामन गोस्वामी महाराज का तत्व का हमने बार बार विनती किया है हमारा भक्त लोगों को, ये बार बार हाईलाइट करके दिखाओ केशव गोस्वामी महाराज गुरु वैष्णव तत्व के बारे में क्या बताया, जो हमने भी उनका मैंने एक क्षुद्र कृपा पात्र होने के नाते बार बार कहते रहते हैं। केशव गोस्वामी महाराज भी एक है, गुरु गुरु कहा तो शिष्य भी यही करेगा, और क्या करेगा, दूसरा तो नहीं कहेगा ना। ऐसा सारे तमाम जो है स्निग्ध शिष्य गुरु बगुझम अपी उठो। स्निग्ध शिष्य किसको बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने दो किसी को, वो उल्टा करेगा, वो लिख देगा सोबर वो लिखेगा सोबर 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 नहीं है, सोबर सोबर बोलने से स्निग्ध शिष्य ऐसा नहीं है। ऐसे जो भागवत ने लिखा हुआ है स्निग्ध शिष्य गुरु वो गुझम अपी, तो ये स्निग्ध जो है इसको ट्रांसलेशन कर दिया सोबर, होगा नहीं, होगा नहीं, ये और माने रखता है, बहुत गहरा माने। स्निग्ध शिष्य मतलब जिसका हृदय में गुरुजी का जितना सारे तत्व विज्ञान है, आचार आदर्श है, सब कुछ प्रकटित हो गया, ये स्निग्ध शिष्य है। जिसका जिंदगी में विचार करने जाए तो गुरु और शिष्य एकाकार हो गया, और इतना इजी मैं बता रहा हूं कि समझना बहुत इजी है। जब गुरु और शिष्य एकाकार हो जाता है, गुरु 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 है, शिष्य शिष्य है, लेकिन शिष्य गुरु बन जाता है, एकाकार हो जाता है। जिसका बारे में कीर्तन में बताया ना, गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय ते करिया ऐक्य आर न करिय मुने आशा, जरा सा भी एक बूंद एक बाल बाल का कोई विचार अलग नहीं बनता गुरु जी से, इसको ही तो गुरु बोला जाता है ना। अब गुरु गुरु पूजा करते करते, गुरु सेवा करते 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 खुद गुरु बन गया, यही तो गुरु होने का सिस्टम है। इसीलिए तो भोपा जी ने बताया इलेक्शन के द्वारा सिलेक्शन के द्वारा गुरु नहीं हो पाता, ये ऑटोमेटिक है। ऐसा गुरु सेवा किया, ऐसा गुरु सेवा किया, ऐसा गुरु सेवा किया, गुरु सेवा करते 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 गुरुमय हो गया, गुरुमय हो गया, गुरुमय मतलब वाणीमय हो गया। तब गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं है। गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय ते करिया ऐको आर ना करियो मने आशा, यही माने ये है। और तब भेद नहीं रह जाता, इसका हृदय में गुरु बैठ जाते हैं। और कोई अगर इसको अपमान करे, ये मेरा गुरु भाई है, बदमाश है, बस हो गया हो गया हो गया, उसका छुट्टी, उसका हो गया छुट्टी, अनंत काल उसका भजन नहीं होगा, जितना भी नाम कमा ले। जब एक पल भर में भी दिल में ये भावना आया, ये मेरा शिष्य तो कोई काम का नहीं है, मेरा गुरु भाई है, अरे गुरु भाई नहीं है, ये गुरु है, ये गुरुमय हो गया, गुरु है।
इसको और गुरु भाई बोला जाए तो मुश्किल है। जब प्रभुपाद अपना शिष्यों को गुरु बता रहा है कि हमारा कौन सी हर्जा है इसमें, जब प्रभुपाद अपना तिथि पूजा में व्यास पूजा में कह रहे हैं कि मेरा गुरु वर्ग है, क्या क्या मेरा कहने में क्या हर्जा है इसमें, या आप लोग मेरा गुरु हो, आप लोग नहीं होते तो मैं बिगड़ जाता, आप लोग मेरे को हरि कथा में लगाए, ऐ सेवा कर, चल ठीक है सेवा करूं, करते करते और आगे चलेंगे, कभी ना कभी तो ठाकुर जी की बात जरूर होगा, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों। सो गुरुमय दर्शन होता है तब लघु दर्शन नहीं होता, किसी चीजों में लघु दर्शन नहीं होता। तो इसलिए अर्जुन का भी तमिश से, अर्जुन अभी तमिश से बात कर रहा है, कितना सुंदर तमिश से बात कर रहा है। देखो मन न से यदि तत्सक्यम, ऐसा नहीं कि मेरे को दिखाओ, अर्जुन का अंदर में ये जो संशय है मैं तो दिखने का लायक नहीं है, मैं नालायक हूं, है मैं नालायक हूं, और नालायक हूं ये अनुभव आया तभी ना ये प्रश्न कहते, मैं लायक हूं ये अगर तो प्रश्न करने का कोई सवाल है नहीं, मैं नालायक हूं ये जो विनम्र भाव है यही तो योग्यता प्राप्ति करने का सही रास्ता है, मैंने प्रचार करके दिखा देंगे जगत में, ठीक है चलो कर दो। कौन सी प्रचार किया गुरु जी का, कौन कौन कथा तुमने बाजार में बोला? प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु जी का जो सिद्धांत विचार है, गुरु जी का महिमा है, दूसरों का हृदय में इंस्टॉल करना, प्रवर्तित करना, यही प्रचार का काम है। ये प्रचार में असमर्थ है, इफ आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट पीपल ऑन टू माई लोटस फीट, दैट इज नॉट एक्चुअली प्रचार। अंग्रेजी कथा में भी ये चर्चा करेंगे आज। अगर मेरा ये ख्वाहिश है कि प्रचार करते करते मेरा चरण में आकर्षण करूं, मेरा वैभव दिखा के, मेरा मैंने सब कुछ दिखा के, शास्त्र ज्ञान दिखा के, तो मैं मूर्ख नंबर वन हूं। मेरा मापी गाधा गोरु कुछ नहीं है, सष्ट बरा हो करो संस्तुत पुरुषहा, ये जो सुखदेव गोस्वामी ने गाली दिया है, सुअर है, गाधा है, गाधे हैं, छागल है, पट्टा है, सुखदेव की गाली दिया, मैं उसी गाली के अंदर में आ जाऊं। अगर ये सोच लूं कि मैंने प्रवचन किया, मैंने ये किया, नहीं ऐसा नहीं। तो अर्जुन का ये तमिश से बात करना, ये भी मेरा लिए एक शिक्षा है तो भगवान का दोस्त है, योग्यता तो है ही है नर नारायण, फिर भी ये पूछ रहे हैं, डाउट है मेरा अंदर, यू नो मन से यदि तत्सोक्यम माया दृष्टुम इति प्रभु, मैं ये देखने का लायक हूं अगर आपका भावना में ये है तो, अगर आपका भावना में ये है कि मैं दर्शन का लायक हूं कि नहीं हूं तो मैं जानता नहीं, आप अगर विचार करके देखना, अगर दृष्टु इति प्रभु, तब एक काम करो ठाकुर जी, योगेश्वरो हे योगेश्वर ततो, उसके बाद अगर सोचो तो ततो में त्वम दर्शयम, ततो में त्वम अपने को दर्शयात्मना वयम, तुम्हारा अक्षय कीर्ति महिमा अनंत वैभव ये दर्शया दर्शयो आत्मनम अभ्यम दर्शयो माने दर्शन दे दो कृपा करके, अगर आप समझते हो तो दर्शयो आत्मनम अभ्यम, आपका जो महिमा है ये थोड़ा आप दिखाओ कृपा करके, अब तो सुनते आए हैं और विश्वास में भी उतारा है, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं है, फिर भी आश्चर्य जो ये जो महिमा है ये कभी दिखने का भी इच्छा होता है, अरे बाप रे बाप ऐसा आपका महिमा है, अरे ऐसा आपका महिमा है, हरे राम। अब ऐसा विनम्र भाव से जब अर्जुन का प्रार्थना, अर्जुन ने प्रार्थना रख दिया विनम्र भाव से, जब अर्जुन ने एक प्रार्थना रख दिया भगवान के चरण में, तो भगवान का थोड़ा दिल में कुछ गुजारा है, चलो ठीक है दोस्त तो है ही है,
भगवान वाचो पश्चमे पार्थो रूपाणी शतशो अथो सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति नीच हैं। देखो अब दिखा रहा हूं, चलो चलो दिखा रहा हूं। क्या दिखाओगे भगवान के? ये पार्थो तरह तरह का रंग बिरंग नाना आकृति वैभव सतो 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 मतलब अनंत हो। यहां सतो सतो जो है ये शब्द सतो सतो न सौ सौ नहीं, ये अनंत का पर्यायवाची शब्द है। सतो सतो अनंत अनंत सहस्र सहस्र ये अनंत विभिन्न अव्यय विशिष्ट विभिन्न शरीर पकड़ के हमारा ये अद्भुत रूप सारे मैं ही हूं, ये मेरा विश्वरूप ही है और क्या। तमाम चीज देखो अद्वैत ज्ञान तत्व तो, भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी देखो सब मैं मेरा ही है, मैं ही हूं। कह दिया ना वैभव में क्या क्या बताया था, सेनाओं में मैं कार्तिक हूं हैं बोला ना, सेनाओं में मैं कार्तिक हूं, तेजस्वी वस्तु में मैं सूर्य हूं, नक्षत्रों में ही मैं चंद्रमा हूं, सब बताया ना। आप बोलो सब देख लो मैं ही हूं। अच्छा भगवान कह रहे हैं, भगवान वाचो पश्चिमे पार्थ रूपानी शतोशो अथ सहस्र सत सत सहस्र है हजारों हजारों सौ सौ हजारों हजारों तरह तरह की नाना विधानी दिव्यानी तरह तरह का दिव्य रंग बिरंग नाना वर्ण वर्णाकृतानी च कृति नी च नाना वर्णो नाना कृति विशिष्टो तरह तरह का रूप रंग रूपानी पशु ये सब देखो। अब दिखाने जा रहा हूं मैं, भगवान कह रहे हैं। और इसमें क्या क्या देखना, पहले फोरकास्ट भगवान कर रहे हैं कि देखो क्या क्या दिखेगा। पश्चादित्यान वसूनो रुद्राणो शीनो मरुतहस्तथा बहुनी अदृष्ट पुरमानी पश्चाश्चर्यानी भारत। ये भारत हमारा ये शरीर में द्वादश आदित्य को देखो पशो द्वादश आदित्य को देखो वसुनो अष्ट वसु को देखो रुद्रानो एकादश रुद्रों को देखो रुद्रगण अश्विनौ अश्विनी कुमारद्वय को देखो तथा मरुतः उनचास वायु मरुद्गण पशो सारे देखो पशो बहुनी बहुत बहुत अदृष्ट पुरबानी जो पहले कभी नहीं देखा होगा आपने, कभी कभी नहीं देखा होगा आपने बहुनी अदृष्ट पुरबानी कभी नहीं देखा होगा अदृष्ट पूर्वाणी अदृष्ट पूर्वो आश्चर्यानी आश्चर्यजनक पशु सकल पशु देख देखना देखना शुरू कर दो। पश्चमे पार्थ रूपानी शतोशो अथो सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतिनी च पश्चादित्यानो वसूनो रुद्रानो शिनौ मरुतहस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वानि पश्चाश्चर्यानि भारत। आप देखना शुरू कर दो। ये भगवान कह रहे कि देखना, अब दिखाने जा रहा है, अभी देखना शुरू नहीं हुआ, पर भगवान इंट्रोडक्शन कर रहे हैं प्रीफेस क्या क्या दिखेगा देख लो, क्योंकि घबरा जाओगे। भगवान का जानकारी है कि अर्जुन घबरा जाएगा।
और इतना घबरा जाएगा कि बाद में बोलेगा प्रसिद्ध 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 जगन्नाथ जगन्निवास, और बस हो गया और नहीं हो गया, अब बंद करो। तेन व रूपे न चतुर्भुजे न, तुम्हारा जो चार भुजा वाला रूप है बस इसी में मेरा मन लग गया, ये दिखा दो। ठीक है चलो। भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चादो सचराचरम मम देहे गुरा केश जच्च अन्यद द्रष्टुमिच्छसि। आप जो देखने का ख्वाहिश इच्छा हुआ आपका, यही कष्टम जगत कृष्णम कृष्णम, हे अर्जुन हमारा ये शरीर में सब चराचर ब्रह्मांड, अच्छा इतना छोटा सा शरीर है इसमें सब है ना, विभु वस्तु है ना, चतुर्सोगी भागवत में कह दिया क्या, सब मेरे में है, मैं सब में हूं, मैं किसी में नहीं हूं। एक क्या गीता में बता दी, मैं सब में हूं, सब में मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूं। पश्व में जोगो में ईश्वरम, मेरा जोगो ईश्वर देखो, ईश्वर जो मेरा जोग का ईश्वर जो देखो, मेरे में सब है, मैं सब में हूं, मैं किसी में नहीं। एक कैसा बात है भले, है यही तो बात है। पश्व में जोगो में ईश्वरम, मेरा ईश्वर जो जोग ईश्वर जो देख लो, किसी वस्तु में नहीं हूं, मैं अलग से रहता हूं। सच्चिदानंद आकार रूपी भगवान अनंत भगवान इस श्याम सुंदर बपू में उपस्थित है मेरा सामने, नराकार नराकार रूप सबसे ऊपर है, अनोखा रूप भगवान का। अब कह रहे हैं कि सात नंबर में यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चात दो सौ चराचरम, चराचर विश्व सब कुछ, ये जो विश्व सृष्टि में जो कुछ है अर्जुन, हमारे ये शरीर में अवस्थित चराचर समग्र विश्व दर्शन कर लो, देख लो विभु वस्तु को, और दूसरा कुछ भी आप देखना चाहते थे देखना चाहते हो अभी देख लो, तो आओ एखन देखिया लाओ। यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चात दो सौ चराचरम, आ दो भगवान का जो चराचर रूप है सारे देख लो, पश्चात दो मीन आज देख लो है, पश्चो अद्दो मतलब अद्दो मतलब ये आदि, और यहां माने हैं ठीक है चलो ये माने ठीक है, पश्चात दो आज देख लो अभी देख लो। सचराचरम ममो देहे गुड़ा केशो जच्च अन्नद द्रष्टुम इच्छसी, तुम्हारा और कुछ भी जो देखा नहीं है जीवन जिंदगी में, वो देखने का ख्वाहिश है इच्छा है तो फिर देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, वो कौन सी बात पड़ा, आप दिखाओ मैं देख ले, नहीं ऐसा नहीं, मैं दिखाने से भी तुम्हारा नजर में नहीं आएगा। अच्छा कैसे, बोले इसीलिए कह रहा हूं कि नौतु मांग सक से दृष्टुम अने नैव सचक्षुषा, ये चक्षु के द्वारा देखना संभव नहीं है, क्या हमारा आंखें खोटा है क्या, पर खोटा का बात नहीं है, इसका बड़ा व्याख्या है, एक दिन भरपूर एक दिन लग जाएगा इसका विचार में। ये कौन सी बात है, अर्जुन तो भद्रजीव नहीं है, भगवान का निजी जन है, उसका क्या, हमारा मापिक मेटेरियल क्या है, इसका चर्चा में लग जाएगा पूरा, बहुत चर्चा होगा, काल हो पाएगा, आज नहीं होगा, सिर्फ इतना ही सुन लो आज। न तो मांग सकसे दृष्टुम अने नैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुहु पश्चमे जोगमेश्वरम, न तू या तू, ये जो शब्द व्यवहार किया है इसका भी बहुत विश्वनाथ चक्रदेव माने किया, न तू
ये तू तो माने किंतु किंतु ये शरीर के कि किंतु कहाँ से आया, कुछ रहस्य है क्या? बोला विश्वनाथ चतुर्वेदी बहुत सारे रहस्य सीधा साई बात भी किया। भक्ति विनोद ठाकुर तो छह आचार्यों का जिस्ट निकाल के सुंदर प्रसाद वितरण करते रहते हैं। सो न तू मांग सकसे दृष्टुम अनेन नैव चक्षुषा, तुम्हारा जे वर्तमान जो आंखें हैं सचक्षुषा, तुम्हारा अपना जो आंखें हैं अनेन नैव, ये चक्षु के द्वारा देखने से। भगवान ये नहीं कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा चक्षु मेटेरियल चक्षु है, तुम बेकार हो, तुम्हारा आंखें खोटा है मेटेरियल, ऐसा नहीं कह रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं न तू मांग सकसे द्रष्टुम अने नैव सचक्षुषा, इसका रहस्य क्या है? इसका बात कहें दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे जोगुमेश्वरम, मैं तुमको एक अलग सा दिव्य दिव्य धातु मेरा एकदम बहुत चौंकाने वाले दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे जोगुमेश्वरम। इस सिलसिले में इस बात आता है कि गबल्ग तनय, गबल्ग ऋषि का जो तनय है, जो संजय है, संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं, हस्तिनापुर में राज दरबार में बैठे हुए हैं और अंध धृतराष्ट्र जी भी बैठा हुआ है। वैष्णव जी तो कृपा कर सकता है, सकता है ना, वैष्णव जी तो कृपा कर सकता है ये अंध धृतराष्ट्र को, बड़ा ठीक है चलो तो अंधा तो है ही है, इसको थोड़ा कृपा कर दे। अरे राजन आप देखना चाहते हो कि देखो ये युद्ध में आपका सत्यानाश होने वाला है, ये कह के रखता हूँ मैं पहले से ही, आपका आपका जो 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 है जो पोता पोती और लड़का लड़की जो कुछ है लड़का सब जाने वाला, अब खत्म देखोगे? पर नहीं नहीं नहीं, ये सब देख के क्या करे, देखने की हिम्मत नहीं है। थोड़ा बहुत आइडिया तो था ही, क्योंकि इतना अन्याय किया, अधर्म किया, अधर्म का विनाश हो धर्म का स्थापन हो, बोलना बहुत इजी है। धृतराष्ट्र जैसा ये भी अकलमंदी, ये जानता है कि अधर्म का रास्ते में चल रहा है फिर भी रोकना संभव नहीं, यही तो मुश्किल है ना। आप जानते हो पूरा दिन खराब कर रहे भजन में नहीं है तो क्या करे, हो ही जाता है ऐसा, अब क्या करे। हमारा व्यासदेव जी आशीर्वाद देना चाहता है कि देखो आपका खानदान का सत्यानाश होने वाला है, देखो कि क्या युद्ध में, नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना ही व्यवस्था कर दो कि हम रिले सुने, जैसे पहले जमाने में हुआ करता था ना, खेला होता था, हमारा बचपन में हुआ था, खेला होता था रिले होता था, अब कौन जाए, जाना तो संभव नहीं, पैसा वैसा है नहीं, बच्चा सुनते थे, तो ऐसा ही है रिले, जो हो रहा है रिले करो इसको, तो इतना ही मैं सुनना चाहता हूं, और ठीक है चलो सुनो। अब सुने सुनना चाहते हो कि कैसे सुनोगे, तुम्हारा पास राज अमात्य है संजय, संजय अगर नहीं देखे तो बताएगा कैसे, रिले कैसे करे, कोई तो ऐसा आदमी चाहिए जो देखे, कोई तो ऐसा आदमी चाहिए कि को खुद देखे और देखने के बाद रिले करे, ये तो चाहिए ना। तो ठीक है चलो, आपका सामने जो बैठा हुआ है ये जो संजय है, ये गबल्ग तनय, गबल्ग ऋषि का लड़का है, बड़ा समझदार है, कृपा प्राप्त है, बड़ा होशियार है, बड़ा सुंदर है, धार्मिक है, ये जुमा ले लिया, बड़ा ठीक है संजय देखते रहे, हमको रिले करते रहे। और संजय का ऊपर व्यासदेव जी आशीर्वाद कर दिया कि चलो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो होते रहेगा, जो जो चीज कुरुक्षेत्र युद्ध में, बहुत दूर कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है समझा, और हस्तिनापुर में बैठा हुआ है
हमारा ये धृतराष्ट्र इतना दूर आकुरु क्षेत्रों में वो लोग युद्ध सारे तैयारी है, हाथी घोड़ा सब ऊंट है, सारे अपना अपना सवारी तैयारी है युद्ध करने के लिए। बस अभी होना, अभी होना, अभी होने जा रहा है शुरुआत। इसी समय पे हमारा व्यासदेव जी महाराज संजय को आशीर्वाद कर दिया, चलो आपको दे दिया दिव्य चक्षु, आप देखते रहो। ये दिव्य जो कुछ दिया है परमानेंट नहीं है, युद्ध चलने का तात्कालिक, समझा? ये जो दिव्य चक्षु दान किया ये तात्कालिक है, युद्ध होने के बाद वो सब देखते रहेगा ऐसा नहीं। युद्ध को देखने के लिए, रिले करने के लिए बताया गया, बस ठीक है। अब राजा का सामने, आई मीन अंध धृतराष्ट्र का सामने बैठे बैठे ओ दूर ओ जो कुरुक्षेत्र में ये युद्ध होने जा रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, सारे दिखाई पड़ रहा है। देखो क्या बात है, अब हम तो टेलीविजन में ईमेल में सब देखते रहते हैं, इंटरनेट में। अब उस जमाने के इंटरनेट में कितना एनो साइंटिफिक था, इतना कितना समझदार आदमी था, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को कैसे क्रेन फ्रेन कुछ नहीं है कैसे उठाते थे। अब ये सोचो, आप कहोगे कि हम लोग बुद्धिमान हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अरे उस जमाने का टेक्नोलॉजी साइंस अभी कर नहीं सकता। इतना बड़ा बड़ा पत्थर जो है ऊपर उठा के, कि कोई कोई सीमेंट नहीं है कुछ नहीं है, महाराज कैसे करते थे। वृंदावन में हम रहते थे ना, पंडा वाली कुंज में, अरे बाप रे बाप, हम देखते रहते थे महाराज कैसे बनाया था, कोई सीमेंट नहीं है कुछ नहीं है, है कि जॉइंट करके करके इतना बड़ा पत्थर है। हाँ मैं तो पागल होकर देखते रहता था, अरे आश्चर्य की बात है, जमुना का किनारे आश्चर्य की टेक्नोलॉजी है। अरे उस जमाने का आदमी क्या बेवकूफ था क्या, हमारा बेवकूफी है अभी ये सोचना, हम लोगों का बेवकूफी है ये सोचना, हम लोगों का बेवकूफी है। अरे उस जमाने में आदमी कितना इंटेलिजेंट था, कैसे कैसे बनाया, ये जगन्नाथ का रथ, जगन्नाथ का मंदिर बनाया, और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, हैरान होने वाला बात है, जगत का आश्चर्य बात है, कैसे संभव है ऐसा टेक्नोलॉजी है, ही ये लोग कैसे ऐसा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था। अरे राम 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 राम, सोचने का बाहर है। अरे इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, पेपर में आया था, अखबार में आया था कि हमारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का ऊपर में जो परी है वो घूमती रहती है, अब घूमना बंद हो गया, अब कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर नहीं पाया, कैसे घूमते रहते। बोले यही तो बात है टेक्नोलॉजी, जितना अहंकार है हम लोग टेक्नोलॉजी है ये है वह, क्या करके रख दोगे, मारोगे ना आपस में एक दूसरे को, यही तो करोगे और क्या। ऐसा करके विचार किया जाए तो देखोगे कितना सुंदर है, कितना पावर है मुनि ऋषि का है? कलौ संप्राप्ते, ये विचार भागवत में आता है व्यासदेव के जन्म के बारे में। व्यासदेव जी त्रेताजुग का, रामचंद्र का भी पहले, कोई सोचता है कि द्वापर युग में नहीं, द्वापरे समनु प्राप्ते लिखा हुआ, द्वापर आया नहीं था हैं, पहले पहले व्यासदेव जो भगवान का जो अवतार गणन है ना, काउंटिंग है ना, उसमें व्यासदेव का नाम आगे आता है, रामचंद्र का बाद में। हाँ ये विचार कोई नहीं करता बाबा रे सब। सो ये जो है इतना तक आज रहने दे, काल चर्चा हो पाएगा। न तू मांग सकसे द्रष्टुम अनन्नैव सचक्षुषा, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चमे जोगोमेश्वरम, करके भगवान ने अनुमति दे दिया और चक्षु भी देने का तैयारी कर रहे हैं। और काल
इसका विषय खुलासा होगा, चर्चा हो पाएगा विस्तृत रूप से। बड़ा आश्चर्य की ये चर्चा है। निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कित्त नियतो बल्याद हरिन्नाम केवलम वांछा कल्पतरुष्य के पासिंद व्यवच पतितानं पावने भवैष्णवभ्यो नमः।